नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हाँ, ऑक्सीजन और वैक्सीन के नाम पर राजनीति करने वाले कांग्रेस की खुली पोल। क्योंकि आपको बता दें, राजस्थान में खुलेआम वेंटिलेटर किराए पर देकर मौत का जश्न मना रही कांग्रेस। जी हाँ, केंद्र से आए वेंटिलेटर्स को किराए पर देकर मुनाफा कमा रहे गहलोत सरकार के मंत्री। तो अब आपको बता दें कि कोरोना के नाम पर राजनीति करने वाली गहलोत सरकार का वेंटिलेटर घोटाले का पर्दाफाश हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें जो कांग्रेस ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के नाम पर पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है, आज उसी कांग्रेस की हकीकत एक बार फिर से सामने आई है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आपको बता दें कि वो खुलेआम ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि वेंटिलेटर किराए पर दिए हैं, फोकट में तो नहीं दिया। जब आपके पास ज्यादा वेंटिलेटर्स हैं तो किराए पर दिया तो क्या हो गया। और यही नहीं, आपको बता दें वही जब मरीजों के आए दिन दम तोड़ने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो कांग्रेस के खाचरियावास ये कहते हुए दिखाई दिए, रिपोर्टर को फटकारते हुए नजर आए कि ज्यादा बीजेपी का चैनल बनके बात मत करो, ये तो सब ही कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस की मानसिकता यहां पर सामने आई है। और आपको ये भी बता दें कि ये वही कांग्रेस है जो लगातार ऑक्सीजन और वैक्सीन के नाम पर झूठ फैलाने का काम कर रही है। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी पीएम केयर फंड पर तमाम तरह के सवाल खड़े करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि जो पोल कांग्रेस की राजस्थान में खुलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या इस पर सोनिया गैंग के पास कोई जवाब है या सिर्फ उन्हें ऊंची राजनीति से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने से मतलब है। हालांकि ये बड़ा सवाल है, लेकिन आपको बताते चले कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर ऑक्सीजन के आवंटन को लेकर हमलावर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर अब बीजेपी ने बड़ा हमला बोल दिया है। और सरकारी वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों को किराए पर देने के मामले में आपको बता दें कि बीजेपी ने सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान का हवाला दिया और उन्हें पाप का प्रायश्चित करने तक को कहा कह दिया है। जी, आपको बता दें इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने मंत्री खाचरियावास का एक वीडियो ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि एक पहले कह रहे थे कि मोदी सरकार मदद नहीं कर रही, और अब कह रहे हैं कि वेंटिलेटर ज्यादा थे इसीलिए किराए पर निजी अस्पताल को दे दिए गए हैं। कल कह रहे थे कि निजी अस्पताल लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, इन सब में असल यह है कि आपकी सरकार की चोरी अब पकड़ी गई है और अब बौखलाने की बजाय पाप का प्रायश्चित करो। तो जिस तरीके से आपको बता दें, लगातार कांग्रेस जिस तरीके से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के नाम पर तमाम तरह के झूठे आरोप केंद्र सरकार पर मरती हुई दिखाई पड़ रही थी, इसी कड़ी में अब कांग्रेस का राजस्थान में असली चेहरा सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि उनके ऊपर बीजेपी के हमले के बाद खाचरियावास ने भी आपको बता दें कि अपनी प्रतिक्रिया दी है। और बीजेपी प्रवक्ता की ओर से आपको बता दें कि शेयर किए गए इस वीडियो के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर अपने बयान वाला वीडियो अपलोड करते हुए साफ तौर पर ये लिखा है। उन्होंने साफ तौर पर कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और अब वापस कह रहा हूं कि संकट में ही नेता और सरकार का पता चलता है। ये कोरोना से लड़ाई एक युद्ध है, ये युद्ध इंसानियत को बचाने का युद्ध है, ये युद्ध प्रलय को रोकने का युद्ध है। और जब पहले युद्ध हुआ करते थे तब राजा खुद घोड़े पर बैठकर युद्ध किया करते थे, सेना का नेतृत्व करने के लिए खुद मैदान में उतरते थे, लेकिन कोरोना के युद्ध में देश के प्रधानमंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे। इंसान तड़प तड़प के मर रहे हैं और केंद्र सरकार वैक्सीन पर मोल भाव करने में लगी हुई है। पाप की पराकाष्ठा तब हुई जब राज्यों के साथ ऑक्सीजन देने में केंद्र सरकार ने भेदभाव किया। दरअसल ये खाचरियावास का बयान है और उन्होंने ये भी कहा कि और अब वैक्सीन पर GST लगा दिया गया है, जो कि बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कहीं नजर नहीं आ रही, जो कि बहुत ज्यादा दुख व दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए किस तरीके से लगातार अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हुए खाचरियावास एक बार फिर से मोदी सरकार पर तमाम तरह का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस केंद्र सरकार की ओर से लगातार तमाम प्रदेशों को, तमाम राज्य सरकारों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा मुहैया
मुहैया कराई जा रही है उसे किस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल तमाम राज्य की सरकारें कर रही है इसकी वानगी हमने आपको कई बार दिखाई है। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि गहलोत सरकार के मंत्री की जो पोल साफ तौर पर सामने आई है, कांग्रेस पार्टी की जो पोल यहाँ पर साफ तौर पर खुलती हुई दिखाई पड़ रही कि किस तरीके से आप सोचिए मरीजों के लिए जो वेंटिलेटर भेजे गए हैं उसे 2-2 हजार में बेचा जा रहा है, प्राइवेट अस्पतालों को बेचा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जमाखोरी करने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, लगातार गहलोत सरकार पर एक के बाद एक तमाम तीखे हमले बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी अशोक गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्नल राठौर ने साफ तौर पर कहा कि पीएम केयर फंड से राजस्थान को दिए गए वेंटिलेटर या तो डिब्बे में बंद पड़े हैं या फिर उन्हें निजी अस्पतालों को पहुंचा दिया गया है। राठौर ने गहलोत सरकार पर सवाल उठाते हुए साफ तौर पर यह कहा कि क्या सरकारी वेंटिलेटर निजी अस्पताल को किराए पर देना सही है। उन्होंने गहलोत सरकार को कोरोना प्रबंधन पर जमकर घेरा। सांसद राठौर ने इस संबंध में एक वीडियो भी किया और ये कहा है कि कोरोना आपदा के समय राजनीति करना सही नहीं है, लेकिन अगर दिन दहाड़े कोरोना पीड़ितों को लूटा जा रहा हो और आप व हम आंखें बंद कर लें तो ये नाइंसाफी होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से राजस्थान के हर जिले को वेंटिलेटर भिजवाए हैं, ये वेंटिलेटर गरीब मरीज की जान बचाने के काम आने थे। साथ ही साथ इसके अलावा राठौर ने गहलोत सरकार पर बेरहमी का भी आरोप लगा वे कहा कि भरतपुर में जो 10 वेंटिलेटर भेजे गए थे वो वहां के सरकारी राय बहादुर अस्पताल में इस्तेमाल ही नहीं किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने उनको एक निजी अस्पताल को 2-2 हजार रुपए प्रतिदिन किराए पर दे दिया है। इन वेंटिलेटर से गरीबों की निशुल्क जान बचाई जानी थी, लेकिन आज मरीज 50 हजार रुपए दे रहा है अपनी जान बचाने के लिए। अलावा आपको बता दे कि सांसद राठौर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोटपुतली के अंदर लोग मर रहे हैं लेकिन पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर अभी भी डिब्बों में बंद पड़े हैं। उन्होंने ये दावा भी साथ में किया है कि अगर आपको जयपुर के सरकारी अस्पताल में आईसीयू बेड लेना हो तो सोचिए 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। ये कहानी राजस्थान के हर एक जिले में हो रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान सरकार मरीजों को बेबस नहीं छोड़ सकती और इसको लेकर तुरंत इंक्वायरी राजस्थान सरकार के खिलाफ होनी चाहिए। जहां जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार अलग अलग राज्यों में कोरोना अपने पैर पसारने में लगा हुआ है और खास तौर पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आए दिन लगातार कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। जिसको देखते हुए आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में लॉकडाउन भी लगाया हुआ है और इसी के संजीदगी को देखते हुए आपको बता दें कि लगातार केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को भी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफाखोरी करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों को इन वेंटिलेटर्स को बेच रही, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है उन लोगों पर जो लगातार मोदी सरकार पर, फिर चाहे वो ऑक्सीजन का मुद्दा हो, फिर चाहे वो लॉकडाउन का मुद्दा हो, फिर चाहे वो वैक्सीन का मुद्दा हो, लगातार राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के पीएम केयर को लेकर सारा हिसाब किताब मांगा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब जब खुद कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस तरह के शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही, तो आखिर क्यों नहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस पर कोई प्रतिक्रिया आप रखते हैं? ये वाकई बेहद शर्मनाक बात है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस कोरोना महामारी के दौर में कांग्रेस पार्टी के नेता जो लूट खसोट मचाने में लगे हुए हैं, ये वाकई अपने आप में बयां करता है कि आखिर सोचे कि पिछले 70 सालों तक कांग्रेस ने किस तरीके से लूट खसोट पूरे देश में मचाई होगी। लेकिन अब जब एक बार फिर से कोरोना के बहाने ही सही कांग्रेस पार्टी को एक और मौका मिलता हुआ यहां पर दिखाई पड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग राज्यों में लगातार लूट खसोट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी राजस्थान में एक के बाद एक सामने आ रहे कांग्रेस के घोटाले को लेकर हमलावर है और इसको लेकर लगातार इंक्वायरी करने की बात हालांकि तमाम नेता कर रहे हैं,
लेकिन आपको बता दें कि अशोक गहलोत जो तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं, हालांकि उन्हें खुद इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो प्रदेश में कौन सा लॉकडाउन लगा रहे हैं। खुद लॉकडाउन लगाने के बाद वो भूल जाते हैं कि उनके प्रदेश में उन्होंने अपने प्रदेश वासियों के लिए कौन सी नई योजना लेकर आए हैं। तो आप सोचें कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा और उस प्रदेश में जो आए दिन मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हैं, आखिर उनका क्या हश्र कांग्रेस सरकार में किया जा रहा होगा, ये वाकई सोचना लाजमी होगा। लेकिन अब आपको बताते चले जो तमाम अलग अलग राज्यों में खासतौर पर जो कांग्रेस शासित राज्य है, जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप लगातार वहां पर जारी है और तमाम राज्य के मंत्री लगातार लापरवाही के साथ जिस तरीके से काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये असल वजह है कि लगातार कोरोना का विस्फोट उन प्रदेशों में हो रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो शर्मनाक तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से मरीजों के हिस्से का ऑक्सीजन छोड़कर वेंटिलेटर छोड़कर कैसे अपना फायदा कमाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों को ये बेचा जा रहा है, दरअसल बहुत ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन इसको लेकर आपको बताते चले कि अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसका जवाब देना होगा जो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। आखिर आप अपने इस मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे और प्रदेश के लगातार जो दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और जो केंद्र से ओर से मदद मिल रही है उसका फायदा मरीजों को नहीं मिल रहा है। बकायदा जो उनके मंत्री हैं खुलेआम भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्होंने कौन सी बड़ी गलती कर दी, आखिर इस पर वो क्या जवाब देते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप इन तमाम खबरों को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।